आप देख सकते हो फ्रेंड, बाबा का ढाबा, यहाँ पे जो ट्रक रखी हुई है शो में, यहाँ ट्रक के अंदर भी बैठ के आप खाना खा सकते हो आराम से। और काफ़ी बढ़िया होटल है यहाँ पे। मैंने यहाँ उदयपुर से आते बाबा का ढाबा देखा तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी खाना खाने के लिए। आप देख सकते हो बाहर ट्रक की बॉडी पे ये जो थीम रखी है काफ़ी अच्छी लग रही है। बच्चों को खेलने के लिए ट्रक रखी है, यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए गार्डन भी बढ़िया है। आप तो फ्रेंड आप देख सकते हो ट्रक के साथ में मेन्यू भी ट्रक जैसा बनाया है, बाबा का ढाबा। ये हमारे शिवगंज में ही है, तो आप देख सकते हो जैसे मेन्यू ओपन किया तो अभी तो ट्रक शुरू हुई है, इसमें सब वैरायटी लिखी है। ये हमारा गांव है शिवगंज, फिर ये सुमेरपुर पास में पड़ता है, ये हमारा जिला सिरोही है, ये आबू रोड है, ये सब डिटेल वाइज लिखा हुआ है। शिवगंज की मंडी से हाईवे तक, तो उसमें इतनी सारी वैरायटी है। सूप ट्रांसपोर्ट, इसमें भी इतनी वैरायटी है। फिर आगे हाईवे के चौराहे से, उसमें इतनी सारी आइटम है। फिर बाबा का शानदार पनीर आइटम, ये पनीर की सब्जियां है। फिर खाना पैलेस ऑन ढाबा वाला, नरेंद्र जी की यहाँ से इतनी सारी आ गई। बाल्टी से दाल, पंजाब की मंडी से, रोटी सोटी फैलाने वाला रायता, ट्रक का पावर ब्रेक, इतनी सारी चलते चलते मिनी जैकपॉट, ट्रक खाली फैमिली थाली। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा मेन्यू बना रखा है। आप देख सकते हो दुर्घटना से देर भली, मुझे ये मेन्यू काफ़ी अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगेगा शायद। जान के खाना आ गया है और हमारा खाना आ गया। आप देख सकते हो पापड़ के साथ में सब्जी आई है और पापड़ के ऊपर आप देख सकते हो सलाद रख के दिया है, काफ़ी टेस्ट होगा इसमें। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि हमको ट्रक पे चढ़ना था। बच्चों को खेलना के अब इधर बहुत ही मजा आता है। तो क्यान भी जा रहा है ट्रक में खेलने के लिए। वाओ, वही खड़ा रहे बेटा, वही खड़ा रहना, उधर ही खड़ा रहना। तो फाइनली हम गांव पहुंच गए थे घर पे, तो क्यान को सब जने देख के कितना खुश हो रहे आप देख सकते हो, क्योंकि क्यान बड़े बहुत दिनों बाद में आया था गांव।
तो मैं पहुंच गया था घर पे। फिर घर पे आके मेरे बच्चे सब खेल रहे थे और कियान भी खेलने लग गया। और ये है मेरा घर। ये तो देखो, ये तो होली चल रही है दिवाली में। और ये है मेरे घर के बाहर की गली, आप देख सकते हो। हमारे घर गली में ही भगवान श्री बजरंग बली जी का मंदिर है, हनुमान दादा का, आप देख सकते हो। ये मंदिर दर्शन करके हमने जोत की। यहाँ पे हमने जोत की। जय श्री राम, जय श्री राम। फिर हम आए हैं बयोसा मंदिर, जो कि हमारे खेत के पास में ही है। इसके बाद में मैं आपको ले जाऊंगा हमारे खेत पे, जो यहाँ नज़दीक में ही है। तो यहाँ पे भी हम जोत करके फिर जा रहे हैं। ये बयोसा मंदिर है।